नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। और सबसे पहले इस बुलेटिन में बात किसानों की, और सवाल ये कि क्या अब बनेगी बात। विज्ञान भवन में किसान और सरकारों के बीच पिछले 4 घंटे से बातचीत चल रही है। बैठक में किसानों की तरफ से 40 किसान संगठनों के नेता मौजूद हैं। वहीं सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल पक्ष रख रहे हैं। कृषि मंत्रालय के साथ 6ठे दौर की बातचीत में किसानों ने प्रदर्शन में मारे गए किसानों और उनके परिवारों के लिए न्याय और मुआवजे तक की मांग की है। इससे पहले किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक की और सरकार से बातचीत का एक एजेंडा भी तैयार किया। हम आपको 5 तस्वीरें बुलेटिन की शुरुआत में ही दिखा रहे हैं और ये 5 तस्वीरें अभी इस वक्त के क्या हालात हैं वो आपके सामने सिलसिलेवार रख रही हैं। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर देख रहे हैं एक तरफ आप और दूसरी तरफ टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और बीच की जो तस्वीर है वो विज्ञान भवन में उस मीटिंग की जो इस वक्त चल रही है। वही किसान और सरकार के बीच हुई बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने किसानों के साथ लंच ब्रेक में लंगर भी चखा। अब तक यही बातें सामने आती रही हैं कि किसान अपने साथ अपना ही भोजन लाए और उन्होंने उसको खाया इस मीटिंग के दौरान। लेकिन आज मंत्रियों ने भी आगे बढ़कर किसानों से इस लंगर को लिया और इसे चखा, तो कहीं बहुत ऐसा लग रहा है कि बर्फ जो जम गई थी वो टूटती हुई नजर आ रही है। दोनों के बीच में दूरियां घटी हैं, दोनों ही पक्षों के बीच में दोनों ही पक्ष एक दूसरे के कहीं ज्यादा नजदीक हैं और कहीं ज्यादा खुले मन से अपनी बातों को रख और समझ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आज 7वें दौर की है, जो बातचीत विज्ञान भवन में 4 घंटे से चल रही है उसकी, और शुरुआत में जो बातचीत हुई थी तब से अब तक के फासले को समझा रही हैं। कहीं बहुत ये तस्वीरें दोनों ही पक्षों के नजदीक आने की तस्दीक कर रही हैं। दो संवाददाता हमारे साथ इस बीच लाइव जुड़ रहे हैं। राज वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं विज्ञान भवन से, और सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ ऐश्वर्या जैन जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राज, आपके पास आते हुए, इस वक्त जो उम्मीद है, जो नजरें हैं वो विज्ञान भवन पर ही हैं। इससे पहले भी नजरें लगी थी लेकिन बातचीत बेनतीजा साबित हुई। आज अगर मंत्रियों ने लंगर का स्वाद चखा है तो हम ये समझ सकते हैं कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के नजदीक बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और आ भी रहे हैं। राज, बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, क्योंकि 35 दिन के इस आंदोलन के बीच जो सबसे राहत भरी तस्वीरें हैं आज लंच के वक्त की आई, क्योंकि उससे पहले जब बैठक हुई तो दोनों ही पक्ष आमने सामने थे लेकिन लंच के वक्त दोनों ही पक्ष जो है साथ खड़े नजर आए। तो ये कुछ राहत देने वाली तस्वीरें हैं कि शायद अब नजरिया जो है वो कहीं ना कहीं बातचीत के दौरान अब बदलता हुआ दिख रहा है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो नजरें हैं अब विज्ञान भवन की तरफ ही है कि कभी भी बैठक खत्म हो सकती है और क्या कुछ बैठक में रहा, क्योंकि लंच से पहले कुछ ज्यादा सकारात्मक जो है बातचीत नहीं हुई, जो कि किसान संगठन के जो नेता अंदर बैठे थे जो बैठक के अंदर, उनका साफ कहना था कि लगातार सरकार अपनी बात पर ही अड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं किसान भी अपने जो 4 मुद्दे हैं उनको लेकर डटे हुए हैं। लेकिन लंच के वक्त की जो तस्वीरें हैं बिल्कुल एक अलग नजरिया पेश करती हुई नजर आ रही है, कुछ राहत दे रही है। शायद उम्मीद यही है कि जल्द जो है बात बनेगी और बात बने और उसके बाद जो आंदोलन लंबे समय से चल रहा है उसको भी विराम मिल सके। तो अभी बिल्कुल जो तमाम जो मीडिया कर्मी भी है, तमाम जो एक चहल पहल जो है वो अब नजर आ रही है विज्ञान भवन के यहाँ पर, कि जो बैठक अंदर चल रही है कभी भी वो खत्म होगी और क्या कुछ बैठक में आज, क्योंकि इससे पहले भी जो लगातार बैठकों का दौर चला था वो बेनतीजा निकला, कोई भी नतीजे जो है उन बैठकों में नहीं निकले। तो ऐसे में आज एक उम्मीद कहीं ना कहीं जताई जा रही थी कि आज एक लंबे गैप, करीब 20 से 22 दिन के गैप के बाद एक बार फिर से जो दोनों पक्ष किसान और सरकार एक साथ आमने सामने टेबल पर बैठने को तैयार हुए हैं, तो इस बातचीत के बाद कुछ ना कुछ नतीजा निकले, यही एक उम्मीद सभी लगा रहे हैं। राज, नजर बनाए रखिए, आप वहां पर लगातार मौजूद हैं। पिछली बार जो बैठक थी कुछ ज्यादा देर तक खिंच गई थी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से ऐश्वर्या भी जुड़े हुए हैं। सिंघू, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। हमें लगता है विज्ञान भवन में जाकर जो बातें इस वक्त हो रही हैं, जो तस्वीरें
तस्वीरें आ रही है, वो सिंघू बॉर्डर की भी हलचल को बेहतर तरीके से आप वहां बयान कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर भी संदेश पहुंच रहे होंगे क्या कुछ चल रहा है, सिंघू बॉर्डर पर क्या कुछ हो रहा है, और इस वक्त जो बातचीत चल रही है उससे कितनी उम्मीदें बढ़ती दिख रही है वहां किसानों को? देखिए, कड़ाके की ठंड तो है यहाँ पर, क्योंकि लगातार उत्तर भारत में जिस तरीके की ठंड पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर भी इसी तरीके की ठंड पड़ रही है। और तस्वीरें मैं पहले आपको बता देता हूँ, जानकारी देने से पहले, देखिए ना केवल जो किसान है बल्कि जो जवान है वो भी कहीं ना कहीं इन आलाप को जलाकर और ठंड को भगाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। लगातार आला कमान की गाड़ियाँ यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर पहुँच रही हैं और वो यहाँ से सीधे तौर पर हर एक बारीकी से निगरानी रख रहे हैं कि आखिर विज्ञान भवन पर होने क्या वाला है, वहाँ से क्या कुछ चीज़ें निकल के आती है। लेकिन सूत्रों की माने तो साफ तौर पर सरकार द्वारा ये कहा गया है किसान नेताओं को कि एक कमेटी निर्धारित की जाएगी और वो कमेटी इन किसान नेताओं से बात करेगी तीनों कृषि कानूनों को लेकर। इसके अलावा एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी दी जाएगी और ये समझाने की कोशिश भी किसान नेताओं के से कहीं ना कहीं सरकार द्वारा की गई है कि आखिर कितना समय लगता है, क्योंकि सबसे पहली जो डिमांड थी वो ये थी कि आप मॉडेलिटीज बताइए हमें कि ये तीनों कृषि कानून वापस किस तरीके से लिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं उसी स्तर पर चर्चा करते हुए सरकार ने एक लंबा डिटेल में बताया है कि किस तरीके से कोई भी कानून को वापस लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक पूरी की पूरी बातचीत केंद्र सरकार और किसानों के बीच में चल रही है। देखना होगा कि आखिर में जब पूरी बैठक खत्म होती है तो किस निष्कर्ष पर यह पूरी बैठक समाप्त होती है और कहां पर जाकर यह फैसला लिया जाता है। तो कहीं बहुत ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही थी कुछ बहुत सरकार भी वही इस वक्त सामने रखती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर गतिरोध टूट रहा है या टूटता हुआ दिख रहा है और बर्फ पिघल रही है तो वर्तमान हालात में सबसे बेहतर यही चीज है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। जहां एक तरफ विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच बातचीत जारी है तो दूसरी तरफ टीकरी बॉर्डर जो कि एक और बॉर्डर है दिल्ली का, वहां क्या हालात बने हुए हैं, संवाददाता आदित्य नायर की एक ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। को मिला है कि ज्यादातर बार जब भी बातचीत हुई है केंद्र और किसानों के बीच में तो टिकरी बॉर्डर पे काफी हद तक शांति रही है। ये देखने को मिला है कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो इंतजार करते रहे हैं कि क्या इस बॉर्डर पे यहाँ पे केंद्र के साथ क्या बातचीत होती है और उसके बाद जब नेता आके बताएंगे तब ये अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। पर अब शायद क्योंकि किसानों का केंद्र से विश्वास उठ चुका है तो किसानों का कहना यह है कि बातचीत अपनी जगह चलती रही है पर इस आंदोलन को हमें अब और बड़ा करना है और आंदोलन की तरफ से हमें जितनी ज्यादा प्रेशर हम केंद्र सरकार पर क्रिएट कर सकते हैं उतनी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो इस आंदोलन को ना सिर्फ बड़ा करने की कोशिश हो रही है, इस आंदोलन में इंटरनेशनल प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है और इस सब के चलते ये बात यही बार बार सारे किसान नेताओं का कहना ये है कि इस आंदोलन को अब हम इतना बड़ा करेंगे कि सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ जाएगी। ऐसा कभी, क्योंकि उनको लगता है कि बातचीत से केंद्र उनकी बात नहीं मानेगी, तो अब उनका कहना है कि सरकार को अगर सरकार अपने तरफ से हाथ ही आगे बढ़ाती है मिलाने के लिए तो सरकार को शायद झुकना ही पड़ेगा इनके आगे। कैमरा पर्सन जना के साथ में आदित्य नायर, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो आदित्य नायर की रिपोर्ट में आपने टीकरी बॉर्डर का हाल देखा और अब आपको गाजीपुर बॉर्डर लिए चलते हैं जहां संवाददाता जतिन गोस्वामी ने बॉर्डर पर डटे किसानों से बातचीत की। क्या कहना है उनका, सुनते हैं। की वार्ता सरकार से चल रही है और सबके जहन में यही सवाल है कि क्या आज कोई निष्कर्ष निकल पाएगा या नहीं। तो दूसरी तरफ दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की एक बड़ी महापंचायत चल रही है। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 9 पर मौजूद हूं और आप तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में यहां किसान आपको बैठे हुए नजर आएंगे। यहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी आज पहुंचे हैं और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। यहाँ पर यह रणनीति तय हो रही है कि अगर कोई निष्कर्ष निकल जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं निकलता तो आगे की जो आंदोलन की रूपरेखा है वो कैसी रहेगी, क्योंकि किसान ये साफ कर चुके हैं कि अगर तीनों जो कानून हैं वो वापस नहीं लिए जाते हैं तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसानों से यहाँ बात भी कर लेते हैं, बताइए क्या कुछ चल रहा है यहाँ महापंचायत में? महापंचायत में यही चल रहा है जी, ये जो काला कानून है वापस लिया जा, ये किसानों के खिलाफ है और एक एक हिंदुस्तान के एक एक बच्चे के खिलाफ है। नरेश टिकैत जी भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ चल रहा है? मैं अभी आ गया। नरेश टिकैत जी पहुँचे हैं, क्या कुछ चल रहा है जी? वो नेता हैं, वो आज बैठिंग करेंगे, देखते क्या इसका निकलता है, नतीजा निकलता है। हाँ जी, तो
यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि महापंचायत चल रही है, नरेश टिकैत पहुंचे हैं और आगे की रूपरेखा तैयार हो रही है। मैं दिन का आपको यहाँ नजारा भी दिखाऊं तो जैसे जैसे महापंचायत का हिस्सा बनके किसान थोड़ा बाहर आ रहे हैं तो यहाँ पर उनके लिए जो लंगर की व्यवस्था है वो नेशनल हाईवे 9 पर की गई है। 35 दिनों से इसी तरह का जो नजारा है वो यहाँ पर है। किसान यहाँ जमीन पर बैठकर खाना खाने के लिए मजबूर है, जमीन पर ही रात बिताने के लिए मजबूर है। और किसानों से आज के लिए पूछ लेते हैं, महापंचायत में क्या कुछ चल रहा है जी? महापंचायत में इस समय जो किसानों के जो मुद्दे हैं बिल्कुल इस समय बहुत जोर शोर से उठाए जा रहे हैं और ये संघर्ष बराबर चलता रहेगा और चाहे कुछ भी हो जाए हम सरकार को झुका के ही यहाँ से हटेंगे और हमें पूरे जोर शोर से हमारा जो इस समय जो आंदोलन है पूरे जोर पर चल रहा है। जी, आपको क्या लगता है जो दिल्ली में वार्ता चल रही है सरकार के साथ सफल होती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ चल रहा है? देखो जी, इनके इन पे कोई भरोसा नहीं किया, झूठे लोग हैं। इन्होंने पहले भी बहुत सारे वादे किए थे नरेंद्र मोदी ने जो पूरे नहीं किए, तो ये झूठे लोग हैं। अब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपने घर चले जाएंगे, बेचारे ठंड में बैठे हैं बस। ट्रैक्टर मार्च भी एक होना है, वो कब होगा? कल होगा। देखो जी, वो तो कितनी संख्या में आज ट्रैक्टर पहुँचे हैं? अभी 550 संख्या में ट्रैक्टर आने बाकी है और भी बड़ोद बागपत से। अभी नरेश टिकैत जी यहाँ पहुँचे हैं, बहुत संख्या में ट्रैक्टर आए हैं, तो क्या तैयारी चल रही है? अभी मीटिंग है उनकी, तो आप सुन सकते हैं कि नरेश टिकैत जी यहां पर एक मीटिंग भी करने वाले हैं। और इसके अलावा क्योंकि महापंचायत है तो उसमें जो कुछ डिसाइड होगा वो यहां पर आगे की रणनीति के तौर पर उसमें अमल लाया जाएगा। गाजियाबाद में कैमरामैन मनीष के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। गाजीपुर बॉर्डर से रिपोर्ट देख रहे थे आप जतिन गोस्वामी की। और हमारे साथ इस वक्त जतिन गोस्वामी भी जुड़ गए हैं, राज वर्मा भी जुड़े हुए हैं विज्ञान भवन से और सिंघू बॉर्डर से ऐश्वर्या जैन भी जुड़े हुए हैं। राज, पिछली बार जो बैठक थी वो काफी देर तक खिंच गई थी, अभी संकेत क्या मिल रहे हैं? बैठक जल्द ही खत्म होने वाली है या ऐसा लग रहा है कि इसमें समय काफी लग सकता है? देखिए, जिस तरह की तस्वीरें लंच के दौरान देखने को मिली है उससे तो यही आसार लग रहे हैं, संकेत यही मिल रहे हैं कि जो बैठक है वो लंबी चल सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं नज़दीकियां वो बढ़ी हैं। और जिस तरह से सरकार ने भी बातचीत को बढ़ाया है कि जो कानून जो लेकर आते हैं या कानून को खत्म करना है तो उसको लेकर भी एक लंबा प्रोसीजर है, तो यानी कि कानून के मुद्दे को लेकर भी जो है बातचीत वो शुरू हुई है। राज, इस दौरान एक चीज और सुनने में आई है और वो ये कि किसानों ने जो अपनी तमाम किसानों की मांगे थी उनके साथ इन मांगों को भी जोड़ा है कि जिन किसानों की मौत हुई है इस दौरान उनको भी मुआवजा और न्याय दिया जाए, एक और मांग जोड़ी गई है, क्या इस पर भी कुछ संकेत है? और वो जो बैठक का जो भी दौर चल रहा है उस पर भी ये तमाम चीजें जोड़कर बताएं और तस्वीरें वहां खास तौर पर दिखाएं, क्या कुछ है, क्या कुछ किसान वहां भी मौजूद हैं जो कि विज्ञान भवन के बाहर हो? देखिए, बाहर किसान मौजूद नहीं है, कुछ इक्के दुक्के किसान जरूर है लेकिन जो तमाम जितने भी किसान थे वो विज्ञान भवन के अंदर ही है। पूरी चहल पहल इस वक्त है, सभी की निगाहें टिकी हुई है कि जो अंदर बैठक चल रही है उस बैठक का क्या कुछ नतीजा आएगा। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो डिमांड्स किसानों ने रखी थी उसमें एक नई डिमांड भी उन्होंने जोड़ी है कि जो आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उन्हें न्याय मिले और उसके साथ उन्हें मुआवजा भी दिया जाए, इस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है। लेकिन ये तमाम जो चार पहले मुद्दे थे और एक और जो नया जोड़ा किसानों का, इनमें से अधिकांश ऐसे जिस पे सरकार कहीं ना कहीं अपना रुख जो है वो बदल सकती है, लेकिन जो कृषि कानून जो है पूरी तरह से खत्म करने की बात है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा पेच यहां पर फंसा हुआ है, उसी को लेकर किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं अब बात यही हो रही है, सरकार की तरफ से भी बताया जा रहा है कि एक प्रोसेस क्या होता है जब एक कोई कानून बनाया जाता है, उसका एक पूरा प्रावधान क्या है, किस तरह से वो इंप्लीमेंटेशन में आता है और किस तरह से पूरा एक प्रोसेस फॉलो होता है। तो ऐसे ही जब अगर उस कानून को किसी को खत्म करना है तो उसके लिए भी एक लंबा प्रोसेसर जिसमें एक बड़ा वक्त लगता है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी चर्चा की जा रही है। तो अब 2 बजे बैठक शुरू हुई थी, करीब 4 घंटे का वक्त हो गया, इसके बीच लंच भी हुआ था और उस दौरान जो तमाम जो मंत्री थे जो बैठक में मौजूद हैं वो लंगर चखते हुए भी नजर आए थे किसानों के साथ। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद सभी को अब लगी है कि शायद अब बातचीत जो है एक सकारात्मक दिशा की तरफ जाएगी और उम्मीद यह है कि
35 दिन के देर से ही सही, लेकिन कुछ नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई। और ठीक राज, हमारे साथ जतिन गोस्वामी भी जुड़ गए। आप जिस सकारात्मक बातचीत के रुख की बात कर रहे हैं वो कहां तक जाएगी, लेकिन आप एक बात साफ कर रहे हैं कि पेच फंसा हुआ है। जतिन, राज इस बात को सामने रख रहे थे कि इस पूरे मामले में किस तरीके से कानून को वापस लिया जाना है उसके बारे में किसान कह रहे हैं बातचीत, लेकिन सरकार तो अभी तक कानून वापस लेने की बात पर आई ही नहीं है। सरकार तो तमाम और बातें भी रख रही है और किसान भी रख रहे हैं। क्या वहां गाजीपुर बॉर्डर पर जहां आप मौजूद हैं, जहां से आपकी रिपोर्ट देखी, वहां किसान मानते हैं कि इतनी जल्दी हल निकलेगा? हालांकि आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बर्फ पिघली है। देखिए बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं उसमें मिलीजुली प्रतिक्रिया हमें यहां पर नजर आई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जब यहां आए तो उन्होंने कहा कि सरकार दो कदम पीछे हटेगी तो हम ढाई कदम पीछे हटेंगे, लेकिन हमने उनसे पूछा कि वो ढाई कदम कौन से होंगे, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। अब जाहिर है वो ढाई कदम कौन से होंगे, ये सवाल तो खड़ा ही रह गया। लेकिन एक बार तस्वीर आपको दिखाऊं, रात की है क्योंकि वो दिखाना जरूरी है। आप देखिए जो यहां संख्या है रात को उतनी ही है, ज्यादा कुछ कम नहीं हुई है। हालांकि इनका एक जो पैनल है वो दिल्ली भी गया हुआ है और वो पूरे मामले पर नजर भी रख रहा है। सीधे पूछ लेते हैं, ये बताइए जो विज्ञान भवन में चल रहा है आप उसे कैसे देखते हैं, क्या कहीं वार्ता का कोई हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? अब सरकार के ऊपर है, सरकार चाहेगी तो हल निकलेगा, बिना हल निकले तो हम लोग वापस जाएंगे नहीं घर। घर वाले सरकार कह रही है संशोधन पर बात, संशोधन पर कोई वार्ता नहीं। जो 23 फसलों की एमएसपी पर कानून बनाने की बात है, गारंटी की बात है, वो करना पड़ेगा, कानून वापस लेना पड़ेगा, उसके नीचे कोई समझौता। सरकार कह रही है संशोधन पर बात हो, संशोधन पर कोई वार्ता नहीं होगी, बिल वापसी घर तभी वापसी होगा, नहीं तो यहाँ पर हम जमे रहेंगे। और लड़ाई हमारी जो है कि अब आर पार की होगी, अभी हमारे टिकैत जी जैसा ऐलान करेंगे, हमारा पूरा किसान मन बना लिया है और देश के हर जिले से किसान जो है कूच कर रहे हैं चलने के लिए। इनकी पुलिस मैं ये पूछना चाह रहा था कि कैसे फिर हल निकलेगा, आप अपनी मांग पर अड़े हैं, सरकार अपनी बात जी वार्ता से ही हल निकलेगा। वार्ता हो रही है हालांकि, लेकिन हल फिर भी नहीं निकल पा रहा है। निकलेगा ये उम्मीद है, हल निकलेगा, ऐसी बात नहीं है, बिना वार्ता के हल नहीं निकलता है। सरकार बैक हो किसान भी अपने घर जाएगा। तो आप यहाँ एक सकारात्मक सोच जरूर देख सकते हैं और किसान चाहते भी हैं कि हल निकले, बातचीत हो, लेकिन निश्चित है एक सवाल जरूर खड़ा है कि किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि कानून वापस हो, लेकिन सरकार कह रही है कि संशोधन हो। अब बात कहां बनेगी ये तो हालांकि देखने ठीक है। ऐश्वर्या के पास जाने को मुझे कहा जा रहा है, ऐश्वर्या सिंघू बॉर्डर पर है। ऐश्वर्या, गाजीपुर में किसान कह रहे हैं कि बातचीत से सब कुछ हल हो जाएगा, कई किसान कह रहे हैं कि सरकार को मानना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा, क्या यही रवैया सिंघू बॉर्डर पर ही है? हालांकि सिंघू बॉर्डर इस पूरे एजिटेशन, इस पूरे प्रदर्शन का सेंटर है। देखिए कल भी लगातार किसान नेताओं से बात हमारी हुई थी और आज सुबह भी लगातार किसान नेताओं से हमने बातचीत करी। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिन चार मांगों को लेकर, जिन चार एजेंडा को लेकर वो केंद्र सरकार से बातचीत करने जा रहे हैं उसी क्रमांक में वो बातचीत करेंगे, और इसी वजह से जो सूत्र बता रहे हैं वो साफ तौर पर ये संकेत दे रहे हैं कि केंद्र सरकार समझाने की कोशिश कर रही है। जो सबसे पहली मांग थी, आप मॉडेलिटीज बताइए, आप हमें ये बताइए कि किस तरीके से ये तीनों कृषि कानून वापस हो सकते हैं, तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल में किसान नेताओं को बताया जा रहा है कि कोई भी कानून पारित होता है उसको वापस लेने में कितना समय लगता है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जब यह बात कही थी कि हम खुले विचारों से किसानों से बात करेंगे, तो इसका मतलब साफ है कि केंद्र सरकार के सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के हिसाब से किसानों से आगे की बातचीत होगी। लग नहीं रहा है कि 2020 में कहीं ना कहीं यह पूरा मसला हल होते हुए नजर आ रहा है, 2021 की तरफ भी यह पूरा का पूरा आंदोलन जाएगा। 31 दिसंबर को कल एक बड़ी ट्रैक्टर रैली का यहां पर आयोजन किया गया है जो शाजापुर से सिंघू बॉर्डर की तरफ चलकर आएगी। इसके अलावा न्यू ईयर किसानों के साथ बनाने की बात भी यहां पर किसान नेताओं ने कल तय करी थी। इसके अलावा जो दृश्य है साफ तौर पर सिंघू बॉर्डर के पुलिस की भारी तैनाती अभी भी लगातार यहां पर मौजूद है और कहीं ना कहीं जो किसान यहां पर डटे हुए हैं उनकी सभी की निगाहें इस वक्त विज्ञान भवन पर है, और निष्कर्ष निकल जाए इस बातचीत से वो कहीं ना कहीं ये किसान भी चाहते हैं, क्योंकि अपने अपने घर इस कड़ाके की ठंड में सभी किसान लौटना चाहते हैं। ठीक है, राज वर्मा जुड़े हैं मेरे साथ इस वक्त विज्ञान भवन से। राज, लगातार प्रधानमंत्री और सरकार के तमाम
उतरी, इन कानूनों के फायदे गिना रहे हैं, बता रहे हैं। तमाम चौपालों का आयोजन बीजेपी भी कर रही है जहां किसानों तक पहुंच रही है। बहुत सारे जगह से किसानों के समर्थन भी किसानों का आया है, किसानों के कई दलों का, कई ग्रुपों का, कई संगठनों का इन कानूनों को लेकर। क्या उम्मीद लग रही है आज की, आज जो किसान मांग लेकर गए हैं कि तीनों कानूनों का खात्मा होना चाहिए, उन्हें रद्द किया जाना चाहिए, एक तरफ सरकार उनके समर्थन में बात कर रही है और बातचीत भी चल रही है, क्या उम्मीद लग रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, क्योंकि जब से आंदोलन शुरू हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम सरकार के मंत्री जो है अलग अलग मंच पर ये बात कहते रहे हैं कि कानून जो आया है वो किस तरह से किसानों के हित में है और किसानों की भलाई के लिए ही इस कानून को लाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो आंदोलन की नींव जो टिकी हुई है वो इसी बात पर टिकी हुई है कि जो कानून आया, कृषि कानून जो आए हैं तीनों, वो सरकार वापस ले। और जाहिर सी बात है कि जिस आंदोलन की बुनियाद ही इस शर्त पर टिकी हुई हो तो किसी भी हालत में किसान पीछे नहीं हटेंगे अपनी मुद्दों को लेकर। लेकिन जो 4 से 5 मुद्दे हैं जिनको लेकर बैठक चल रही है किसानों की तरफ से जो रखे गए, क्योंकि सरकार लगातार संशोधन की बात पर अड़ी हुई है, तो वहीं किसानों ने साफ कर दिया कि उनके जो 4 से 5 मुद्दे, इन पर सरकार जब तक कोई सही दिशा में काम नहीं करेगी वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो ऐसे में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एक राय बन सकती है, एक सहमति बन सकती है। लेकिन जैसे पहले भी मैंने आपको कहा कि जो पेच फंसा हुआ है वो कृषि कानून को लेकर है, तो ये एक बड़ा पेच है जिसको सुलझाने में अभी वक्त लग सकता है। तो ऐसे में उम्मीद है कि कुछ मुद्दों को लेकर एक आम सहमति बन जाए, एक आम राय बन जाए, जिनका कि एक समाधान जल्द निकल सकता है। लेकिन जो कृषि कानून बिल को वापस लेने की बात है वो एक बड़ा पेच रहेगा और उसी को लेकर अब देखना ये होगा कि क्या कुछ समाधान निकलता है जब बैठक खत्म होगी, तो उसके बाद क्या कुछ लंच के बाद रहा, क्योंकि इससे पहले कोई खास इंतजार करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, ऐश्वर्या भी हमारे साथ जुड़े हुए ऐश्वर्या हमारे पास जतिन गोस्वामी इस वक्त हैं। जतिन, हाँ या ना की बात सरकार कह रही थी, किसान हाँ या ना से आगे बढ़कर सोचें, और जहां तक संशोधनों की बात है सरकार वो भी तैयार है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं इस सब में, इन कानूनों को खारिज किए जाने की बात को लेकर। क्या उम्मीद इस पर भी वहां के किसान जता रहे हैं कि आज कुछ ऐसा होगा जो या तो अगली बेहतर बातचीत का रास्ता खोल दे या आज ही उन्हें वो खबर मिल जाए जिसके इंतजार में किसान हैं? देखिए, सीधे पूछ लेते हैं, ये बताइए सरकार कह रही थी कि हाँ या ना से थोड़ा आप आगे बढ़ें, तो उम्मीद जाहिर है आप लोग कर रहे हैं, सकारात्मक भी हैं आप, लेकिन हाँ या ना से तो आगे बढ़ना ही होगा। नहीं, बिल्कुल बढ़ना होगा, लेकिन ये काम सरकार को करना पड़ेगा। सरकार खुद समझती है कि किसमें किसानों की भलाई है, और किसान जब तक अपनी मांग को पूरा नहीं करवा लेगा तब तक हाँ और ना का कोई मतलब नहीं होता। तो क्या वही चीज जो आप चाह रहे हैं वो संशोधन के रास्ते नहीं आ सकती है? ना, वापस लिया जाए, किसान बिल वापस लिया जाए। क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इसके, क्यों संशोधन के रास्ते नहीं आ सकती है? जिफ कानून में 12 कमियां हो, दर्जन भर कमियां हो, तो उसको निरस्त कर देना ही ठीक है, बाद में मिल बैठ के बना लिया जाएगा अच्छा कानून। सरकार कह रही है कि हाँ या ना से थोड़ा तो आप आगे बढ़े। हाँ या ना का कोई सवाल है नहीं, अब तो पूरे देश के किसान को लग गया है ना, पूरे देश का किसान अब जाग चुका है, पूरे देश का किसान सड़क पर उतर रहा है इस बिल के विरोध में, और फसलों को जो 23 फसलों का दाम तय किया जा रहा है उसकी खरीदारी की गारंटी सरकार ले सरकारी रेट पर। और किसानों से भी पूछ लेते हैं, देखिए ज्यादा से ज्यादा किसानों से पूछेंगे, बताइए हाँ या ना से कैसे आगे बढ़े? देखो, हाँ ना की बात बता दो, आगे का बता दो, आगे क्या करना है? ये तो बिल्कुल गलत है ही है, हमको तो इसकी कोई इच्छा ही नहीं थी, हमारी तो बत्ती आगे क्या करना है बताइए, आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि ये अनशन आर पार की लड़ाई है, किसान जब हटेगा, दिन रोज अनशन बढ़ रहा है हमारा, आदमी भी आ रहे हैं, वाहन भी आ रहे हैं, आप देखो कितने कितनी जनता हम जाड़े में पड़े हुए हैं। आप बताइए आगे क्या होना है? आगे जो भी हमारे नेताओं की इसमें राय बनेगी उस पर काम किया जाएगा। अच्छा, ठीक, वही जोड़िए ना, देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, सकारात्मक जरूर हैं, हाँ या ना से। तमाम किसान, राज वर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज वर्मा, एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ कल के लिए एक प्रदर्शन भी किसानों ने तय किया हुआ है, किसान बातचीत पर भी गए हुए हैं और दबाव की रणनीति पर भी लगातार काम कर रहे हैं। क्या इस बीच में आज उम्मीद करें कि कुछ ऐसी खबर आएगी यहाँ से जो किसान कम से कम ये कहें कि हाँ सरकार आगे बढ़ी?
बिल्कुल, देखिए आज की बातचीत के दौरान के जो दो सकारात्मक पहलू है उन पे गौर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले जो भी बातचीत हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं वो सांकेतिक भाषा हाँ और ना का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन आज दोनों तरफ से बैठकर बातचीत हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं नजरिया कुछ बदला है दोनों ही तरफ से। और जब लंच के दौरान भी जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि मंत्रियों ने किसानों का जो लंगर आया था वो किसानों के साथ चखा, तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से जो है कुछ सकारात्मक नजरिया जो है वो दिखाते हुए दोनों पक्ष दिख रहे हैं। तो ऐसे में कुछ ना कुछ उम्मीद जरूर ये लग रही है कि आज किसी नतीजे पर पहुंच सकती है ये बातचीत। पेच जरूर कानून को लेकर फंसा हुआ है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बातचीत बन सकती है, क्योंकि सरकार से लगातार किसान ये बात करें कि सरकार ने कहा कि एमएसपी की बात करें तो गारंटी लिख कर देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको कानूनी रूप चाहते हैं किसान। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में सरकार सोच सकती है। इसके अलावा जो बिजली बिल की बात करें या इसके अलावा एनसीआर में जलवायु प्रदूषण की बात की जाए, तो ये भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर कि बातचीत की तरफ समाधान की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला फंसा हुआ है कृषि कानून को लेकर, जिसकी वापसी उसको खत्म करने की बात पर ही किसान अड़े हुए हैं। बिल्कुल आपने कहा कि एक तरफ ठीक है, राज बने रहिए आप वहां पर, आगे भी आपके पास आएंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मीटिंग लगातार चल रही है और जिस तरीके से बैठक चल रही है उम्मीदें भी उसी तरीके से बढ़ती चले जा रही हैं। बहुत शुक्रिया राज।